अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि आपके बैंक अकाउंट में आपका आधार लिंक है या नहीं है, जुड़ा हुआ है या नहीं है। तो आप ये घर बैठे अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और अगर लिंक नहीं है तो आप बैंक जाकर और अपना आधार देकर लिंक करा सकते हैं। तो ये चेक करने के लिए हम सबसे पहले ब्राउज़र पर जाएंगे और ब्राउज़र ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये हमने ब्राउज़र ओपन कर लिया, उसके बाद यहाँ हम आधार की वेबसाइट डाल देंगे। तो वेबसाइट डालने के बाद हम सर्च करेंगे, तो यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं uidai.gov.in डाल दिया। डालने के बाद अब हम सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा और यहाँ आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप लैंग्वेज भी बदल सकते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी आपको भाषा में पता करना है, चेक करना है, वो आप चेक कर सकते हैं। तो मैं इंग्लिश पर लगा देता हूँ और इंग्लिश ही में चेक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ नीचे आएंगे और इस वेबसाइट से आप आधार भी चेक कर सकते हैं। इसकी हमने वीडियो बनाई हुई है, आधार अपना डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर आपका लगा होना चाहिए। और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा मोबाइल नंबर आपके आधार पर लगा हुआ है। तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर लिखा है आधार सर्विस, तो इस पर हम टच करेंगे। और क्लिक करने के बाद फिर उसके बाद यहाँ हम इस तरीके से इसको ऊपर करते हुए आएंगे। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है चेक आधार बैंक लिंक स्टेटस, तो यहाँ पर हम टच करेंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम आ गए और यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है आधार नंबर, तो हम यहाँ पर आधार नंबर डाल देंगे। और उसी के सामने एक आधार जैसा कुछ आइकन बना हुआ है, यहाँ पर टच करेंगे तो इस तरीके का आप देख सकते हैं ये आधार नंबर ऐसे लिखा होता है। और यहाँ क्लोज पर करेंगे वो हट जाएगा। तो यहाँ पर हम 16 डिजिट का आधार नंबर डाल देंगे और उसके बाद ये कैप्चा कोड यहाँ पर हम डाल देंगे। अगर कैप्चा कोड नहीं समझ में आता है आपको तो ये रिंग का आइकन बना हुआ है, यहाँ टच करेंगे और कैप्चा कोड बदल जाएगा। आप देख सकते हैं ये बदल रहा है, तो इस तरीके से आप बदल सकते हैं। तो चलिए हम आधार नंबर यहाँ डाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने आधार नंबर डाल दिया, उसके बाद यहाँ कैप्चा कोड डाल दिया और यहाँ नीचे आएंगे सेंड ओटीपी, यहाँ पर हम टच कर देंगे। टच करने के बाद कुछ इस तरीके का आइकन खुल कर आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है ओटीपी सेंड टू योर रजिस्टर मोबाइल नंबर, चेक योर मोबाइल। तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी गया है, वो ओटीपी आपको नीचे यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर नीचे आएंगे और यहाँ पे लिखा है इंटर ओटीपी, तो ये यहाँ पर हम ओटीपी डाल देंगे। जो भी ओटीपी हमारे आधार से लिंक है, ओटीपी गया होगा और यहाँ पर हम ओटीपी डाल देंगे। तो चलिए डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने 6 डिजिट का जो ओटीपी आया था हमारे मोबाइल नंबर पर, वो हमने डाल दिया है। डालने के बाद अब हम यहाँ पर सबमिट कर देंगे। तो सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरीके का कुछ इंटरफेस खुल के आ गया और यहाँ पर पूरी डिटेल्स आपकी दी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका निशान बन के आ गया। उसके बाद यहाँ आधार नंबर लिखा हुआ है और यहाँ बैंक लिंक स्टेटस लिखा हुआ है, एक्टिव है, और ये आपको आपकी डेट लिखी हुई है। और यहाँ पर जो भी बैंक में आपका आधार लिंक है वो यहाँ बैंक का नाम दिख जाएगा। तो मैंने बड़ौदा में लगवाया था, तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप अपने बैंक में चेक कर सकते हैं आधार लिंक है या नहीं लिंक है और कौन से बैंक में आपका अकाउंट लगा हुआ है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और इसका लिंक हम इसी वीडियो में दे देंगे, वहाँ से आप आसानी से चेक कर सकते हैं।